शहबाज ने कलाइयों के उपयोग करके यहां पे फाइन लेग के बाहर से गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार और चार रन मिलेंगे। काफी थोड़ा सा होना चाहिए तो यहां पे सीधे मेरे सामने से गेंद निकलती हुई कोहली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए। लेग साइड के बाहर थी, थाई पैड भी लगी शायद गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा प्लेट तो बैन। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर छह रन के लिए, काफी अच्छा। यहाँ पे थर्ड मैन की जानिब गई गेंद, गेंद गई तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के पार चार रन के लिए। मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ आउटफील्ड बहुत ही तेज है। शाहनवाज फिर से जबरदस्त पुल किया है, गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार फिर से चार रन के लिए। तो यहां पे गियर को बदला है, काफी अच्छा शॉट फील्डर के ऊपर से, किसी के पास कोई मौका नहीं, फील्डर अपनी जगह गेंद की तरफ देखते रहे। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए। तो गेंद इस ओवर की और फिर से जबरदस्त फिलिक, शाहनवाज ने पूरी खबर ली इस ओवर में रिजवान की, खाली एक डॉट गेंद, बाकी सारी गेंदों पे छक्के चौके। तो शाहनवाज ने यहाँ पे बैटन पैड हुआ, तो इसी के साथ शाहबाज यहाँ पे अपना 50 उसने कंप्लीट किया। काफी अच्छी इनिंग्स शाहबाज की। और यहाँ पे अच्छा शॉट गैप में डाला गेंद को, फिर से शाहनवाज बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए। और शाहनवाज ने यहाँ पे एक ऊंचा लंबा छक्का, टॉप एज, और यहाँ पे फील्डर के ऊपर से गेंद गई। हालांकि वेट कर रहे थे फील्डर, जंप भी करना चाहा, लेकिन गेंद उसके काफी ऊपर से गई बाउंड्री लाइन के बाहर छह रन के लिए। काफी महंगा ओवर जाता हुआ सादत का, शाहबाज का और एक जबरदस्त शॉट चार रन के लिए। शाहबाज आगे इस वक्त निकले, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ते हुए, और यहां पे काफी अच्छा कैच, लॉन्ग रन अप। तो यहां पे शाहबाज के लिए अपने डगआउट से सारे तालियां बजाते हुए एक लंबी इनिंग्स खेली शाहबाज ने, अपने टीम को काफी आगे लेके गए। अगर ये नहीं थे ग्राउंड में तो आज टीम लड़खड़ाई हुई नजर आई। काफी अच्छी बैटिंग।